नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। 28 अगस्त को खरगोदा आईएमटी में मारुति प्लांट की आधारशिला रखी जानी है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी रखेंगे। आगामी करीब 2 वर्षों में है प्लांट बंद कर तैयार करने की योजना है, जबकि 2025 में यहां पर मारुति बनने का प्लान चला हुआ है। खरगोदा आईएमटी में मारुति कंपनी का प्लांट, आईएमटी का डेवलपमेंट केएमपी के साथ साथ कुंडली मानेसर पलवल रेल कॉरिडोर, इसके साथ साथ जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, ये सभी योजनाएं वर्ष 2025 तक लगभग पूरी हो सकती हैं। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद खरगोदा का विकास भी तेजी से होगा। खरगोदा आईएमटी में मारुति कंपनी का प्लांट लगने के बाद यह एरिया बेंगलुरु और मानेसर की तर्ज पर डेवलप होगा, जिससे यहाँ पर लोगों को विभिन्न श्रेणी के रोजगार के अवसर मिलेंगे। आईएमटी के भारी निवेश के कारण खरगोदा में कई तरह के बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जिससे एक तरफ जहां खरगोदा एरिया विश्व के मानचित्र पर उभरेगा, वहीं दूसरी तरफ इस एरिया के लोगों के साथ साथ एनसीआर युवाओं को भी आईएमटी में किसी न किसी रूप में रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, ये बदलाव देखने को मिलेंगे। मारुति कंपनी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने जमीन खरीदनी भी शुरू कर दी है, ताकि आने वाले समय में खरगोदा के विकास में भी सार्थक साबित हो सके और अपनी प्लानिंग के हिसाब से खरगोदा को डेवलप करने में योगदान दे सके। बहुत से लोगों ने यहाँ पर अलग तरह के रोजगार के बदलाव के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। खरगोदा में वाटर पार्क बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 334B पर ढाबे विकसित होने शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। इसी तरह से खरगोदा रोहतक रोड, मोरखेड़ी रोड पर वेयर हाउस अभी से कंपनियों ने खरीदने शुरू कर दिए हैं, ताकि आने वाले समय में उन्हें भारी कीमतों से ना छूछना पड़े। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां यहां पर होटल बनाने की तैयारी में जुटी हैं। कोई यहां सोसाइटी डेवलप करने के लिए प्लान कर रहा है, तो कोई छोटा मोटा उद्योग लगाने की प्लानिंग कर रहा है। नेक्स्ट्रा सिटी कंपनी ने अपने सेक्टर का विस्तार भी कर दिया है, ताकि मारुति कंपनी के साथ होने वाले विकास का फायदा उठा सके। मारुति कंपनी से जुड़े करीब 20 वर्करों ने यहां पर प्लाट भी खरीद लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां खरगोदा के आसपास गांव में भी जमीन तलाश कर रही हैं। खरगोदा की जमीनों का भाव मारुति डिक्लेयर होने से पहले 35 लाख रुपए में 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ रुपए तक था, जो कि अब यह भाव करीब 90 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक पहुंच गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यहां पर जमीनों के भाव में और भी अधिक तेजी आनी है। करीब 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। खरगोदा आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव दहिया का कहना है कि मारुति कंपनी का प्लांट शुरू होने के बाद पहले चरण में खरगोदा आईएमटी से जुड़े उद्योगों के कारण करीब 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर रोजगार देने की प्लानिंग की जा रही है। सरकार की 75% योजनाओं के तहत हरियाणा के लोगों को यहाँ पर अधिक रोजगार मिलेंगे। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।